Hit the subscribe button and the bell icon for a daily update and notification. हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी पेटल्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आज हम रिव्यू करने वाले हैं अर्ब्स गुडनेस के चारकोल फेस मास्क के बारे में। ओके गाइस, तो इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रिव्यू। और आज का जो रिव्यू है वो है अर्ब्स गुडनेस के चारकोल डिटॉक्सिफाइंग फेस मास्क के बारे में। गाइस, ये फेस मास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट हाँ, ये आपको purple.com पर ही मिलेगा, आपको ये किसी और ऑनलाइन वेबसाइट पर या फिर ऐप पर नहीं मिलेगा। आपको इसको परचेज़ करने के लिए purple.com पर ही जाना पड़ेगा। गाइस, ये जो फेस मास्क है वो आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप ये बाहर जाते हैं, जस्ट लाइक आपकी कोई जॉब है या फिर आपको बहुत टाइम तक आउटडोर वर्क करना रहता है, तो आपकी स्किन पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो अंदर तक आपके पोर्स में चले जाते हैं, उनको रिमूव करने में और आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में ये चारकोल फेस मास्क बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर वो किसी भी ब्रांड का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट चारकोल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके स्किन को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ओके, सो आप कोई भी चारकोल फेस मास्क यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने जो यूज़ करती हूँ वो है अर्ब्स गुडनेस का फेस मास्क। ये क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी रेट के हिसाब से इसका काम बहुत अच्छा है, बहुत रीज़नेबल रेट पर ये आपको मिल जाता है, इसलिए मैं इसी को प्रेफर करती हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है। इसको ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले, ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 15 से एवब कोई भी इसको गर्ल्स एंड बॉयज़ में दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। और जो लोग आउटडोर में काम ज़्यादा करते हैं, डस्ट वगैरह में जिनका काम ज़्यादा रहता है, तो प्लीज़ कोई भी चारकोल का फेस मास्क यूज़ करें, बट यूज़ ज़रूर करें, वो इसको भी ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कोई इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बात आती है, जब हम फेस मास्क की बात करते हैं तो हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ रहती है कि कहीं ये हमारे फेस पे लगाने के बाद बर्निंग क्रिएट ना करें। तो गाइस, इसको लगाने के बाद आपके फेस पे कोई भी बर्निंग नहीं होती है। मैंने बहुत सारे फेस मास्क से रिव्यू डाल रखे हैं मेरे चैनल पर, उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा बर्निंग होती थी मेरे फेस पर, बट गाइस, इससे मुझे बिल्कुल भी बर्निंग की प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे फेस पर, कोई पिंपल क्रिएट नहीं हुए मेरे फेस पर। और आपके फेस पर जो ऑलरेडी पिंपल्स हैं उनको भी ये रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। मतलब आप इसको हमेशा नाइट टाइम में अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद इसको 10 मिनट बाद, जब जो पूरी तरीके से ड्राई हो जाए, या फिर 10 या 15 मिनट बाद इसको आप वाटर से धोकर रिमूव कर सकते हो, और बस मॉइस्चराइज़र लगाया और यू आर डन। उसके बाद जब अर्ली मॉर्निंग आप जब उठेंगे तो आप देखेंगे आपके जो पिंपल्स थे वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुके हैं, और कोई भी नए पिंपल्स आपके फेस पर आए नहीं हैं। तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है इस मामले में, स्पेशली जिनको पिंपल्स की बहुत प्रॉब्लम है वो इस फेस मास्क को यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। बट हाँ, फेस मास्क कोई भी हो या कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट हो, उसको यूज़ करने से पहले एक बार उसका पैच टेस्ट जरूर कर लें। आप अपने हैंड पे कर सकते हैं टेस्ट कि कहीं ये आपको बर्निंग तो नहीं कर रहा है, या फिर अपने चिक एरिया पे थोड़ा सा लगा के चेक कर सकते हैं कि कहीं ये आपको बर्निंग क्रिएट तो नहीं कर रहा है। अगर वो आपको बर्निंग बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप उसको प्लीज़ यूज़ ना करें, हो सकता है वो आपकी स्किन को रिएक्ट करे, क्योंकि प्रोडक्ट की कोई भी गारंटी नहीं होती है। वो मे बी आपको सूट करे, मे बी आपको सूट ना करे, मे बी आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करे और मे बी वर्क ना करे। सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होती है, सबकी हिसाब से हर प्रोडक्ट का वर्क अलग होता है, किसी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, किसी के लिए नहीं करता है। तो गाइस, ये चीज़ को ध्यान रखें कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, एक बार उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। ओके गाइस, सो अगर हम इसकी सेल्फ लाइफ की बात करें तो हमें ईजिली इसमें 3 ईयर्स की सेल्फ लाइफ मिल जाती है। ओके, और इसकी जो MRP रेट है वो है 74 रुपीज़, और इसको आप purple.com पे, आपको ये हमेशा ऑफ़र में चलता रहता है। जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो मुझे ये 72 रुपीज़ का मिला था, और बेसिकली इसकी MRP रेट 74 रुपीज़ है, सो आई गॉट 2 रुपीज़ ऑफ। सो इट जस्ट डिपेंड अपॉन ऑफर्स, अगर हो सकता है कोई अच्छा ऑफ़र चल रहा हो तो आपको ये 60 रुपीज़ में भी मिल सकता है, उससे कम में भी मिल सकता है। ओके, सो इसकी MRP रेट तो 74 है, ये आपको मार्केट में मे बी नहीं मिलेगा, ये आपको purple.com पर ही मिलेगा।
ओके गाइस, सो ऑल इन ऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब जो नेक्स्ट मैं रिव्यू बनाने वाली हूँ वो है इस गुड वाइब्स के चारकोल फेस मास्क का। फिर इनका मैं वर्सेस भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए, डेमो भी इसका मैं बनाने वाली हूँ। आप ये मत सोचना कि इसमें इन्होंने डेमो नहीं दिखाया, बस बातें कर दी, तो डेमो भी मैं जल्दी ही इनका बनाने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल से कनेक्टेड रहें, आपको इसका डेमो भी मिल जाएगा और दोनों में से कौन सा बेस्ट है वो भी मिल जाएगा। बट थिंग इज़, मुझे गुड वाइब वाला ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसको लगाने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई आउट नहीं होती है, वो हल्का सा मॉइस्चराइज छोड़ देता है। बट जब आप इसको लगाते हैं तो आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, आपको मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ता है, जबकि गुड वाइब्स वाले में वो इशू नहीं है। तो इसलिए मुझे गुड वाइब वाला ज़्यादा अच्छा लगा। बट अगर हम रेट के हिसाब से बात करें, वर्किंग दोनों की सेम है बट दोनों की रेट में बहुत डिफरेंस है। तो जो थोड़ा सा कम रेट वाला प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं और इफ़ेक्ट बिल्कुल सेम चारकोल फेस मास्क जैसा चाहते हैं कि बहुत अच्छा वर्क करे, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट हाँ, ये आपके स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देता है, तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। जबकि गुड वाइब्स वाले में अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाते हैं तब भी उसका वर्क उतना ही अच्छा रहता है। खैर गाइस, ऑल एंड ऑल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको रेटिंग मिलती है 5 में से 5 रेटिंग मिलती है, बिकॉज़ इसकी रेट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा वर्क करता है। मैंने आपको इसकी क्वांटिटी नहीं है, 29 ग्राम्स, ये आपको 74 रुपीज़ में 29 ग्राम मिल जाता है और आप इसको ईजिली लाइक 4 to 5 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। मैं भी इसको यूज़ करती हूँ, आप ये देख सकते हैं बहुत हद तक ये खाली हो चुका है। मैं इसको वीक में 1 टाइम यूज़ करती हूँ और अगर आप लोग चाहें तो 15 दिन में 1 बार भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब मंथ में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। बट मैं वीकली 1 बार इसको इस्तेमाल करती हूँ, संडे टू संडे मैं इसको यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, स्पेशली नाइट टाइम में। इस चीज़ को ज़रूर मेंशन करें कि नाइट टाइम भी यूज़ करें, जिससे आपकी स्किन को अच्छे से डिटॉक्सिफाई करने के बाद उसको अच्छे से रिपेयर भी कर सके। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।